ईदुल क़ियामत अल मसीह से कबल ग्रीन टाउन लाहौर से मुख्तलिफ चर्चिस के ज़ेर एहतमाम पाम संडे की इबादती जुलूस बरामद। मसीह कौम की कसीर तादाद में खजूर की डालियाँ पकड़े हुए जुलूस में शिरकत। जुलूस का मकसद 2000 साल पहले यसूल मसीह यरूशलेम में आमद के मौका पर जिस इस्तकबाल किया गया था इस वक्त की मंजर कशी करना है। इस मौका पर चर्चिस के पास्टर्स साहिबान का कहना था कि हालेलुया, मेरा नाम पास्टर प्रवेश विक्टर है और मेरे चर्च का नाम MGM चर्च है, मर्सी गेट मिनिस्ट्री, और ये क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन लाहौर पाकिस्तान में है। और आज पूरी दुनिया में खजूर की डालियां लेकर लोग गली गली फिर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि जब मसीह यसू यरूशलेम में आए तो उनका खजूर की डालियों से, हरी भरी डालियों से, दरख्तों की डालियों से, खेतों की डालियों से उनका इस्तकबाल किया गया। और आज हम उसी याद में पूरी दुनिया में मसीह यसू को शाहाना जो इस्तकबाल हुआ था उसकी याद में इस दुनिया में हम फिर से उस याद को दोहराते हैं। और पूरी दुनिया जो है आज इस जुलूस के वसीला से बरकत पाती है, उनके जज्बे उनके जज्बात उसी तरह आज भी पुरजोश और पूरी दुनिया में हला देने वाले जज्बे हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद का जिंदा कलाम आज भी काम करता है और हम खुदावंद के जिंदा कलाम पर अमल करके उसकी याद में हर वक्त गुजारते हैं। जी खुदावन के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो और आप सब देखने वालों को हैप्पी पाम संडे, खजूरों का इतवार आप सबको मुबारक हो। तो मेरे अजीज़ो, ये जो खजूरों का इतवार मनाया जाता है, जो पाम संडे मनाया जाता है, इसमें हम सब खुदावन यीशु अल मसीह को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वेलकम करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह इस रूहे ज़मीन पर थे और वो यरूशलम के अंदर जब दाखिल होते हैं तो उसका एक शहाना इस्तकबाल होता है और लोगों ने बड़े जोश व खरोश से बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह के नारे लगाए। और उस वक्त के जो हाकिम थे, फकीर फरीसी थे, उन्होंने इस बात को सामने रखते हुए गुस्सा भी दिखाया और उन्होंने मना भी किया खुदावंद यीशु अल मसीह को और कि तू अपने शागिर्दों से अपने लोगों से कह कि ये नारा ना लगाएं। तो उसने कहा अगर आज मैं इनको चुप करवा दूं तो ये पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। सो हम उसी तरह अपनी जिंदगी के अंदर यीशु बादशाह को वेलकम करते हैं और उस रस्म को हम अदा करते हैं। यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, पास्टर मुनीर खोखर साहब, अकरम गिल साहब, सैमुअल सादक साहब और असलम गिल साहब,
और हमारी सारी टीम जो है मौजूद है। तो मेरे अजीजो रहमत गिल साहब, तमाम चर्च की टीम मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाम संडे का दिन यहूदियों के लिए और तमाम मसीहियों के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि मेरे अजीजो ये वो दिन है जिस दिन दुनिया के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह को जब वो पुकारा गया, उसे बुलाया गया और लादू यानी के ऐसे गधे के बच्चे पर जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था, यरूशलम की गलियों में खजूर की डालियों पर उसका इस्तकबाल किया गया, क्योंकि वो इब्ने दाऊद है। उसे होशना के नारों के साथ उसे वेलकम किया गया, उसे यरूशलम की गलियों में होशना के साथ इब्ने दाऊद जो आ रहा है, मुबारक है वो जो आ रहा है, ऐसे नारों के साथ उसे पुकारा गया। मेरे अजीजों, ये वो बादशाह है जो आसमान से दोबारा आने वाला है ताकि हमें अपनी बादशाही में शरीक करे। वो बादशाही जो आसमान की बादशाही है, ये ना खत्म होने वाली बादशाहत है जो आसमान की बादशाहत है। मेरे अजीजों, थैंक यू सर। इंतजार और फरियाद को सुन, वो सुन के सुबह कर तेरी सुनात की खातिर ये दुआ मांगते हैं। बोलो खुदा यीशु जी का नाम की, कैमरामैन टीम के साथ आमिर सुहेल, लाहौर सिटी न्यूज, लाहौर। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।